हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्रूव्यू थर्मामीटर का आपको डेमो देने जा रहा हूँ। अभी न्यू पीस है, सबसे पहले इसको ओपन कर रहा हूँ। इसमें कंटेंट्स क्या क्या आते हैं वो आपको शो कर रहा हूँ। हाँ, देखिएगा, इसमें है यूज़र मैनुअल है और थर्मामीटर है। आप इसे इसको यूज़ करने से पहले प्लीज़ एक बार यूज़र मैनुअल रीड कीजिएगा। तो आपको इसका डेमो देने जा रहा हूँ मैं। इसके साथ में बैटरी सेल नहीं आते हैं, आपको बैटरी सेल अलग से परचेस करना होता है। यहाँ पर डिस्प्ले दिया हुआ है और यहाँ पर जो थर्मामीटर सेंसर है, जो इंफ्रारेड सेंसर होता है, ये यहाँ पर लगा हुआ है। और स्क्रीनिंग के लिए बटन है यहाँ पे, ये मोड्स के बटन है। और आपको अगर पीपल्स काउंट अगर चेक करना है, आप अप टू 6, इसमें इंटरनल मेमोरी होती है, इसमें जो स्टोरेज होता है वो 16 पीपल वो स्टोर करके रखता है इसमें, यानी 16 रिकॉर्ड्स। तो चलिए, मैं इसमें बैटरी कैसे इंसर्ट करना है वो शो कर रहा हूँ। और बैटरी के लिए इसको ओपन करना है। यहाँ पे बैटरी के लिए कुछ ये दिया हुआ है, प्लस माइनस, तो उस तरीके से आपको इंसर्ट करना है। तो ये सेल में देखिए, यहाँ पे प्लस है तो इसको प्लस की तरह ये करना है, और यहाँ पे जो माइनस है तो माइनस इसको फिर आपको पुश कर देना है। उसके बाद में स्टार्ट करने के लिए आपको स्क्रीनिंग का बटन आपको प्रेस करना होता है इस तरीके से। तो ये स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे देखिएगा, पर्सन का सिंबल आ रहा है, डिग्री सेल्सियस आ रहा है, और यहाँ पर कितना अभी डिग्री सेल्सियस यहाँ पे काउंट किया है उसने, तो ये बता रहा है। ये पर्सन के लिए, अगर आपको पूरा रूम का अगर टेम्परेचर डिटेक्ट करना है तो आपको वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको मोड का बटन प्रेस करना होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रूम टेम्परेचर आ गया। देखो 34.1 जो है, ये भी इस रूम, इस एरिया का टेम्परेचर, इस रूम का टेम्परेचर है। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। तो चलिए, अभी आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और यूज़ कैसे करता है इसका वो बताता हूँ। देखिए, इसमें कुछ पैरामीटर्स लिखा हुआ है, वो पैरामीटर्स को आपको ये करना है। इसका सर मेनली है कि मेजरमेंट डिस्टेंस जो आपको ये 3 to 5 सेंटीमीटर चाहिए। उससे अगर आप पीपल बॉडी काउंट कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो डिस्टेंस है आपका वो 3 to 5 सेंटीमीटर चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको फॉल्स मिल सकता है। तो प्लीज़ आप जब भी चेक करेंगे तो उसका डिस्टेंस जो है, मेजरमेंट डिस्टेंस, वो 3 to 5 सेंटीमीटर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, या इसमें आप डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में ये कर सकते हो, मेजरमेंट काउंट कर सकते हो। तो आपको वो कैसे सेट करना है वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। अभी देखिए, डिग्री सेल्सियस में डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपको चेक करना है फ़ारेनहाइट, तो आप यहाँ पे मोड का बटन प्रेस करके रखिए 3 सेकंड के लिए। यहाँ पे F1 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे फिर से मोड का बटन आप प्रेस कीजिए, F2, फिर से प्रेस कीजिए F3। F3 जैसे ही आ गया, आपको ना यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, आपको यहाँ पे अप और डाउन है, ये अप है और डाउन है। तो मैं अभी डाउन का प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे F आ गया। देखिएगा, फिर से आपको ये बटन 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, बीप दे देगा और आप बाहर आ गए। देखिए, यहाँ पे F आ गया पर्सन का, तो अभी ये काउंट करेगा फ़ारेनहाइट में। 97.4 इसका मैक्सिमम है, ये है अभी। तो अभी काउंट कैसे करना है वो बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे पेपर है, इसका ये कर रहा हूँ मैं, जैसे बताया था आपको सेंटीमीटर में आपको काउंट करना है। तो देखिए, 97.6 आ रहा है इनका। अगर मैं सेकंड पर्सन का ये करूँ, आपको बटन प्रेस करना होता है, इनका है 97.0। तो इस तरीके से फ़ारेनहाइट आप ये मेजरमेंट कर सकते हो। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में ये करना है तो वो भी आपको मैं शो करता हूँ। आपको सेटिंग चेंज करना होती है। सेटिंग चेंज करने के लिए आप फिर से जो मोड बटन है वो प्रेस करके रखिए, और यहाँ पे आप F पे जाइए और फिर से बटन प्रेस कर दीजिएगा। डिग्री सेल्सियस पे आ गए, प्रेस करके रखिए। देखिए, अभी डिग्री सेल्सियस आ गया। अभी आप डिग्री सेल्सियस आपको काउंट करना है, तो मैं वो भी आपको शो करता हूँ। डिग्री सेल्सियस में इनका 36.4 है डिग्री सेल्सियस में। सेकंड पर्सन आपको प्रेस करने तो इनका ये 36.2 है। फिर से इनका काउंट करके बता देता हूँ। अगर हाई चले जाता है तो यहाँ पे रेड हो जाता है और बीप आ जाता है आपको। देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कोई पर्सन नहीं, इसलिए मैं आपको कोई डिवाइस मैंने ऑट करके रखा है। देखिएगा, इस तरीके से ये रेड आ रहा है। अभी 38.9 है इसका टेम्परेचर, डिग्री जो है, इसके वजह से यहाँ पे रेड आ गया। सेम थिंग आपको
देखिए 40.4 है, तो इसके वजह से ये रेड डिस्प्ले होगा, इसका मतलब ये जो सबसे ज़्यादा हॉट है। तो इस तरीके से पर्सन का भी देता है। और फिर बता देता हूँ, देखिए 36.6 यहाँ पे आप जब जाएंगे 36.2 आ रहा है। तो इस तरीके से ये आप डिग्री में हो सकते। अभी आपको अगर आपको बैक मेमोरी चेक करना है कि यहाँ पे स्टोरेज जो हुआ है 16 पीपल्स, तो वो चेक करना है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना होता है, अप और डाउन, तो आपको प्रेस करना है बटन, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट आ गया M1, 36.2 था पहले, आपको सेकंड अगर यूज़ करना चेक करना है तो 36.6 था। इस तरीके से 3 अगर देखेंगे आप 36 था, देखिए 4% था, 40.4 था, 38.9 था। तो इस तरीके से आप जो बैक रिकॉर्ड है वो भी चेक कर सकते हो, अप टू 16 रिकॉर्ड्स आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस डिवाइस का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऑडियो नहीं चाहिए इसमें जो बीप आता है, तो बीप अगर आपको चेंज करना है तो वो बीप भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। वो कैसे चेंज करना है मैं बता देता हूँ। देखिए साउंड यानी मोड का बटन प्रेस कीजिए, F2 पे जाइए, मोड का बटन फिर से एक बार प्रेस कीजिए, F2 आ जाएगा। उसके बाद में आपको अप और डाउन का बटन प्रेस करना है, ये साउंड यहाँ से चले गया। अगर आपको साउंड चाहिए तो आप प्रेस कीजिए, वो साउंड आ जाना चाहिए, उसके बाद में आपको साउंड आएगा। अगर नहीं चाहिए तो आप साउंड का बटन प्रेस कर दीजिए और फिर से मोड का बटन प्रेस करके रखिए। तो अभी साउंड नहीं आएगा, देखिए अभी साउंड नहीं आ रहा। तो इस तरीके से इस डिवाइस का आप यूज़ कर सकते हो।